जोधपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। शिविर में लोग विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने के साथ पंजीयन भी करवा रहे हैं। इसी दौरान उज्ज्वला योजना की लाभार्थी सारिका ने बताया कि पहले गैस कनेक्शन नहीं होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उनके जीवन में सुधार हो रहा है। वहीं एक अन्य लाभार्थी हीना ने शिविर में सिलाई मशीन खरीदने के लिए लोन की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं सारिका, मैंने आज आवेदन किया था, मेरे को हाथों हाथ आज उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले मैं लकड़ियों से चूल्हे पे खाना बनाती थी और अब मोदी जी की वजह से गैस पे खाना बनाऊंगी, इसलिए मैं गैस एजेंसी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और पीएम स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। सिलाई का कार्य करती हूँ और मोदी जी से 10,000 का लोन उठाया उससे मैं अच्छा धंधा कर लेती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे सहायता समूह को नगर निगम उत्तर द्वारा जो कार्य दिया गया स्वच्छ भारत अभियान में कैरी बैग का, तो उसका हमारे समूह के पास पैसा नहीं था। 50% हमें पहले राशि दी गई काम करने के लिए, 25,000 माल हमने जमा कराया, तो महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं और आगे वो अपना काम बढ़ा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी साहब को भी कि ऐसी स्कीमें चलती रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए लाभकारी है।